सरकार आपसे कहना चाहते हम लोग, साला कमा के हिंदुस्तान के गरीब लोग जो है टैक्स भरते हैं, हिंदुस्तान सरकार को देते हैं, और सरकार जो है उन पैसों से कोरोना पीड़ित को विदेशों से लेके आती है और हिंदुस्तान के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ देती है। आप लोग विदेशों से जहाजों में भर के कोरोना लेके आए और उस वजह से इस देश के गरीब लोग, गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं। हैदराबाद में मजदूर फंसे हुए हैं, मुंबई में मजदूर फंसे हुए हैं, पुणे बेंगलुरु में मजदूर फंसे हुए हैं, दिल्ली में मजदूर फंसे हुए हैं, हरियाणा में और देश के हर एक राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं। उन मजदूरों की क्या गलती थी? विदेश में फंसे हुए लोगों के लिए आपके पास समय रहता है, आप एयर इंडिया से लेके इंडिगो, स्पाइस जेट से लेके विस्तारा एयरलाइंस को आप विदेशों में भेजते हैं और वहां से कोरोना भर भर के इस देश में लेके आते हैं और इस देश के गरीब लोगों को समस्या होता है। नेताजी, आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगला वीडियो मैं इतना गाली दूंगा कि कान, नाक, आंख और शरीर के जितने भी अंग है सब आप लोगों को। बुरा लगे तो मुझे माफ करो, लेकिन इस देश के जितने भी गरीब लोग अलग अलग शहरों में भूखे मर रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश करो। हमारे पास अभी कुछ देर पहले हैदराबाद से फोन आया था, वहां पे 9 लोग जो है एक फ्लैट में फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उन्होंने अपने किचन का फोटो हमें सेंड किया है। आपके पास इसे देखने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन चीन में फंस गए बचाएंगे हम, ईरान में फंस गए हम बचाएंगे, इटली में फंस गए हम बचाएंगे, जापान में फंस गए हम बचाएंगे, लेकिन भारत में फंस गए उनका क्या? किसने कहा था इन्हें कि भारत छोड़कर विदेशों में जाओ? और लालच के वजह से ये साले विदेश गए थे और ये सालों के वजह से जो है ये विदेश से कोरोना भर भर के लेके आए, इन सालों के वजह से भारत के जो है मासूम लोग फंसे हुए हैं, आज अपने घरों में बंद है, हम भी अपने घरों में बंद है। लेकिन इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, जो विदेश में है उनके लिए आपके आंखों में आंसू आते हैं और जो भारत में मर गए भूखे उनके लिए क्या? 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज नहीं, आप 100 लाख का राहत पैकेज घोषणा कर दो, लेकिन जब तक देश के लोगों के साथ आप खड़ा होना नहीं सीखोगे तब तक जो है इन राहत पैकेजों का कोई मोल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, मैं देश के तमाम नेता, देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों के बारे में बोल रहा हूं। भारतीय टीम के तमाम क्रिकेटर, आप लोगों को स्टार हमने बनाया है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच में आप लोगों ने 1 रुपया का अनुदान जो है लोगों को नहीं दिया है। फिल्म स्टार और बड़े बड़े हस्ती घर में बैठ के हाथ धो, गांड धो, ये धो, वो धो, ना जाने क्या क्या करते रहते हो, लेकिन 1 रुपया का डोनेशन आप लोगों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गरीबों को नहीं दिया है। आपके पैसे की जरूरत नहीं है और हमें नहीं चाहिए, लेकिन सरकार आपसे कहना चाहते हैं हम लोग, साला कमा के हिंदुस्तान के गरीब लोग जो है टैक्स भरते हैं, हिंदुस्तान सरकार को देते हैं और सरकार जो है उन पैसों से कोरोना पीड़ित को विदेशों से लेके आती है और हिंदुस्तान के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ देती है। इनको किसने बोला था विदेश जाने के लिए? विदेश जाने से पहले ये साले क्या भारतीय सरकार से पूछे थे कि हम विदेश जाए कि नहीं जाए? विदेश तो चले गए, जब समस्या होता है तो मोदी जी बचा लो, जब समस्या होता है तो मोदी जी बचा लो। सालो, तुम्हारे वजह से 130 करोड़ लोग जो है आज इस देश में परेशान है, अपने अपने घरों में बंद है। मेरा एक दोस्त है जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे अभी एकदम से लॉक्ड हो चुका है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसे समस्या हो रहा है, उसकी एक छोटी सी मासूम बच्ची है गांव में, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा है कहां। उसकी एक बीवी है जो 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन ये एहसास जो है वो ना नरेंद्र मोदी को होगा, ना राहुल गांधी को होगा और ना इस देश के 543 सांसदों को होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी देश के नेताओं, आप लोगों को, जितने भी सांसद और विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक बस की व्यवस्था कर देते और एक एक थर्मल हीट डिटेक्शन मशीन, जो इंफ्रारेड मशीन है जो यहाँ पे लगाने से पता चलता है कोरोना ही से है, तो फिर विदेश से भर भर के क्यों लाए और देश में जिसको कोरोना नहीं है वो साला भूखा मर रहा है। आप कहते हो कि हम प्यार से बात करें, पिछले 3 दिन से हम प्यार से विनती कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को कम से कम बचाओ, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। आज जो है हमें इसलिए टाइट होके बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका कान जो है वो सीधी बात और धीरी बात सुनता ही नहीं है। आज इस देश के नेता, आप सभी से नम्र निवेदन है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप लोगों को इस देश के लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इस देश के गरीब लोगों को बचाना पड़ेगा। कंटेनर में पटना के कोइलहर में कंटेनर में मजदूर पकड़े गए, वो कंटेनर में क्यों आ रहे थे और कंटेनर में पकड़े जाने के बाद पुलिस मार रही है?
हरियाणा में मजदूर कंटेनर में पकड़े गए हैं। क्यों कंटेनर में पकड़े गए हैं? यूपी में पुलिस जो है लोगों को इतना प्रताड़ित कर रही है कि लोगों को सड़कों पे जो है गुलाटी मारना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस बिना सोचे समझे जो है किसी के ऊपर डंडा चार्ज कर रही है। एमपी की स्थिति देख लो आप, वही है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, हर राज्य की पुलिस की वही स्थिति है। हर जगह से वीडियो आ रहा है, आज यहाँ पे इतने लोगों को पुलिस वालों ने मारा, आज यहाँ पे इतने लोगों को पुलिस वालों ने मारा। आप जो भारत के लोगों को मार रहे हो, आप एक बार क्यों नहीं उन लोगों को मारे एयरपोर्ट पे जब उतर रहे थे, और जब आपको पता चला इन्हें कोरोना है तो उन्हें 50-50 घंटा क्यों नहीं मारे? क्योंकि उन्होंने विदेश में कुछ गलती किया था, तभी उन्हें कोरोना हुआ। आज हिंदुस्तान के लोग जो है गरीब मासूम लोग हैं, वो आपके डंडा खाने के लिए तैयार हैं। आप मारो उन्हें, लेकिन अगर है हिम्मत तो उन्हें घर पहुंचा दो यार। क्यों परेशान कर रहे हो उन लोगों को? 21 दिन नहीं, 121 दिन नहीं, 21 साल वो अपने घरों में बंद रह जाएंगे, लेकिन परिवार से दूर जो है ऐसी विकट परिस्थिति में आपने रखा है उन लोगों को, नहीं रह पाएंगे, जीते जी मर जाएंगे वो लोग। इसके लिए आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन आपने एक गलती कर दिया है और उस गलती को सुधारना आपकी जिम्मेवारी है। आप हर राज्य के मुख्यमंत्री को ऑर्डर दो कि वह अपने अपने राज्य के लोगों को जो है किसी भी हाल में कहीं भी फंसे हैं उन्हें बाहर निकाले। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर जिला का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। हर जिला के लोग जो है अगर देश के किसी भी कोने में फंसे हैं अपने जिला के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, और उस जिला के प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी भी हाल में उन्हें निकाले। चीन से आप निकालते हो, उज्बेकिस्तान से निकालते हो, तेहरान से निकालते हो, ईरान से निकालते हो, इराक से निकालते हो, इटली से निकालते हो, अमेरिका से निकालते हो, भारत में क्यों फंसाते हो लोगों को? इसलिए फंसाते हो ना कि वो गरीब है, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो आवाज उठा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान की लाठी जो है वो दिखती नहीं है लेकिन चलती है, और जब चलती है ना ये पुलिस की लाठी जो गरीबों पे गिर रही है ना, उससे ज्यादा दर्द करता है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को तमाम लोगों के लिए पहुंचा दो, इस देश के प्रधानमंत्री और राज्य के हर एक मुख्यमंत्री के पास, ताकि उनकी आंख खुले और कान तक हमारी बातें पहुंच सके, और जितने भी गरीब लोग दूसरे दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनकी मेडिकल स्वास्थ्य जांच के बाद जो है उन्हें उनके गांव में, उनके घर पे, उनके शहर में छोड़ा जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।